हेलो दोस्तों, एक गलती जो कि बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं और आप अगर करते हो ना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि बता रहा हूँ आप पूरी ज़िंदगी पछताओगे और काम कुछ नहीं हो पाएगा। क्या मैं आपको बता दूँ? इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के नाम आपने नहीं सुना होगा अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन ये सुन लो, इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इस वीडियो में आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपने अपनी वीडियो को मोनेटाइजेशन होने के बाद देखा हुआ है, अब उसी जीमेल आईडी से देखा है जिस जीमेल आईडी से आपका चैनल है, और जब आप ये काम आप बार 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 करते हो तब आपका एडसेंस अकाउंट बंद कर देता है गूगल। वो कहता है कि भैया आप पैसे कमाने के लिए अपनी ही वीडियो को बार बार देख रहे हो, जिससे कि जो ऐड दे रहे कंपनी उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। आपका उनका ऐड तो चल रहा है, पैसे उनके खर्च हो रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा क्योंकि आप ही देख रहे हो। वो तो दिखाना चाह रहे हैं ना कि आपके जो व्यूअर हैं, आपके जो देखने वाले हैं, वो लोग देखें उनका ऐड, और ऐड जब देखेंगे तो प्रचार होगा उनका और ज़्यादा उनकी रेवेन्यू जनरेट होगी। लेकिन अब जब आप अपने आप ही खुद अपनी वीडियो में ऐड देखोगे तो आपके चैनल पर क्या आ जाता है? इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। अब इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब आपके चैनल पर इन फ्यूचर कभी भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ जाती है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा दोबारा से। बहुत कम रेयर चांस है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो। अब इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ जाती है तो आपको एक काम करना है कि अपील करना है यूट्यूब को। अगर यूट्यूब आपकी अपील एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके चैनल पर दोबारा से एडसेंस ऑन हो जाएगा। रेयर केस है कि एडसेंस अपील एक्सेप्ट करे, बट ज़्यादातर केस में नहीं करता है। तो आपके साथ अगर गलत हुआ है, आप कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं और हो सकता है बाई मिस्टेक आपका इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ गई हो, तब आपकी अपील एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का मेन कारण एक ही चीज़ है कि आप अपनी उसी जीमेल आईडी से अपनी वीडियो देखते हैं जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब पर चैनल है। ये काम आप बिल्कुल करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। आप परेशान होंगे और आप टेंशन में ही रहेंगे, आप चाहे जितनी मेहनत कर लें वो दोबारा से नहीं चलने वाला है एडसेंस अकाउंट। ये इसलिए वीडियो बनाकर बता रहा हूँ क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ है, जो कि मेरे पास आया मैसेज और यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, और इसीलिए मैं अवेयर करने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा इंस्टाग्राम ये पेज है और हम आपको इंस्टाग्राम पर ट्रीट करते हैं एक यूट्यूबर, सफल यूट्यूबर बनने के लिए और एक सही गाइडेंस देने के लिए। हमारी पेड सर्विस भी है जो कि आपको पता होगा, यहाँ पर आप पेड सर्विस भी जाकर ले सकते हैं और आपसे मैं डायरेक्ट जुड़ पाता हूँ। आपको जब भी कोई पेड सर्विस लेनी हो या फिर कुछ भी लेना हो तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल रहते हैं, बस आपको मैसेज वहाँ पर करना है, आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें एकदम सही डायरेक्शन में हम बताते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।